जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का 16 दिसंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। मेरे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा 100% रियल क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल जो है SO2, NO2 के कारण होती है। आलू रूपांतरित है, तो आलू रूपांतरित है तना का, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन, मूली रूपांतरित है, तो मूली रूपांतरित है जड़ की। चौथा क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि वर्ल्ड ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल, क्योंकि इस साल हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 साल मना रहे हैं। अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो अनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल 22 जुलाई 1822, 6 जनवरी 1884 एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई ऑगस्टियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दोनों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। उनके कार्यों की महानता 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई। बाद में उन नियमों की पुनर्खोज उनका महत्व तो बताया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठा क्वेश्चन, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। यह CSIR के अंतर्गत है एवं आधुनिक जीव विज्ञान एवं टैक्सोनॉमी के क्षेत्र से जुड़ा है। इसके निर्देशक डॉक्टर राकेश तुली हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बोगनवेलिया की एक नई प्रजाति विकसित की है जिसका नाम लोस वानोस वरिग्योता जयंती रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द होता है राघव, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, लाघव होगा, लाघव राघव नहीं होगा, लाघव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नागी बांध ये कहाँ पर स्थित है? नांगी बांध जमुई में स्थित है। जमुई के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। जमुई भारतीय राज्य बिहार में जमुई जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है। यह जमुई जिले का जिला मुख्यालय है। जमुई का गठन मुंगेर से अलग होने के परिणाम स्वरूप 21 फरवरी 1991 को एक जिले के रूप में किया गया था। तो जमुई के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। शंकर सप्त संबंधित है। त्रिदेवों से एक महेश को ही भगवान शिव या शंकर भी कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र कहते हैं कि उन्हीं में से एक महाकाल है। वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वर्षा का पर्यायवाची शब्द चौमास होता है। अगला क्वेश्चन, टेड़ा झील कहां पर स्थित है? प्रदेश ने 8 नदियों के कायाकल्प की योजना बनाई, इसे बजट में शामिल किया गया। इनमें बराज की टेढ़ी नदी भी है। टेढ़ी नदी का उद्गम स्थल बराज की चितौरा झील है। इस नदी के कायाकल्प के लिए सरयू ड्रेनेज खंड प्रथम को कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 12वां क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? झारखंड। 13वां क्वेश्चन, 2020 फ्रेंच ओपन विजेता महिला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है स्वीटेक ने केनिन है 2020 फ्रेंच ओपन विजेता। फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में 6-4, 6-1 से मात दी। 19 साल की उम्र में ही स्वीतेक ने इतिहास रच दिया। पोलैंड की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी एक स्वीतेक ने इतिहास रच दिया। स्वीतेक फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल इवेंट नाम करने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ये एक संस्थान है, ये CSI के अंतर्गत है एवं आधुनिक जीव विज्ञान टैक्सोनॉमी के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। तोबा झील कहाँ पर स्थित है? तोबा झील के बारे में बात हो रही है, सॉरी तोबा झील इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा के उत्तर मध्य में स्थित एक झील और
एक महाज्वालामुखी है। यह झील 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी अधिकतम गहराई 500 मीटर है। तोबा झील इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील भी है। ज्वालामुखी झीलें वह झीलें होती हैं जो किसी जीवित या मृत ज्वालामुखी के मुंह में पानी भर जाने से बन जाती हैं। यह माना जाता है कि आज से करीब 69,000 से लेकर 77,000 साल पहले इस ज्वालामुखी में विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर को नहीं मिल पाया है कि गुर्जर और ठकरवाल जनजातियां कहाँ की, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में? मैरी क्यूरी, ये आपको ध्यान रखना है। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1903 में भौतिकी और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। दुनिया भर की कई महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों के दम पर अपने देश का नाम रोशन किया। 1901 से लेकर 2018 तक 52 बार महिलाओं को नोबेल पुरस्कार प्राइज मिल चुका है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। वन स्टॉप सेंटर से संबंधित जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था होप मिशन मार्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2021 से 2023 के लिए कम से कम अमीरात मंगल मिशन या होप मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम। इस मिशन की घोषणा जुलाई 2014 में महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान अरब संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने की थी। अगला क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 से क्वेश्चन एक पूछा गया था। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने लहराया परचम, देश भर में बना नंबर वन हरियाणा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नंबर वन बना है चंडीगढ़। जेनन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AAMB कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पूर्व में कौन सा जिला है? पूर्णिया जिले को बिहार राज्य के 3,202.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह उत्तर में अररिया जिले, दक्षिण में कटिहार और भागलपुर जिले, पश्चिम में माधेपुरा और सहरसा जिले, और पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर जिले, और पूर्व में बिहार के किशनगंज जिले की सीमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अमित का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमित का विलोम शब्द देखिए होता है मित और परमित। पीएम सहज बिजली हर घर योजना से संबंधित क्वेश्चन था। इसको बोलते शुभांगिया योजना का मुख्य उद्देश्य हर गांव में, हर शहर में हर बिजली प्रदान करना। सरकार ने 31 मार्च 2019 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। शुभांगिया योजना के लिए सरकार ने 16,320 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा है। सरकार ने सौभाग्य योजना में 12,320 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता का भी प्रावधान किया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, चरक किसके राज दरबार में रहते थे? कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल्स विनर 21 सितंबर से 11 अक्टूबर 2020 के मध्य टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2020 रोलैंड गैरोस पेरिस फ्रांस में संपन्न हुई। इस बार फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल स्पर्धा का आयोजन नहीं किया गया। राफेल नडाल द्वारा विजित यह 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व अधिकतम 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यह गुण एक सामान्यता घटना को जन्म देता है जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है, और जल में रहने वाले जीव आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकते हैं क्योंकि तालाब के तल पर जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नोबल प्राइज 2020 में कौन सी महिला को खिताब मिला है? अमेरिकी कवयित्री लुईस गल्क को इस साल का साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली साल 2020 के साहित्य के नोबल प्राइज की घोषणा हो गई है। अमेरिकी कवयित्री लुईस गल्क को इस साल साहित्य के नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जानवर है जो एक समय में 2 बार पोषण ग्रहण करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूली के किस रूप को हम खाते हैं? तना। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने कानून व्यवस्था की बैठक में दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। अगला क्वेश्चन, शोकाकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? शोकाकुल का संधि विच्छेद होता है शोकधनाकुल।
अमोनिया को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात सबसे कम है? वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात केवल 618 है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें आप लोग। पोटेशियम आयोडाइड को किस से अभिक्रिया कराकर आयोडीन प्राप्त होता है? पोटेशियम आयोडेट और सोडियम सल्फाइड के बीच की अभिक्रिया। चरण एक में देखिए, सल्फाइड के आयन पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करते हैं, जिसके आयोडाइड के आयन बनते हैं। चरण सेकंड, बनने वाले आयोडाइड के आयन और अधिक आयोडेट आयनों के साथ अभिक्रिया करके आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पसीने से कौन सा लवण निकलता है? पसीने से कौन सा लवण निकलता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संदीप शरण बताते हैं कि पसीना अत्यधिक निकलने से शरीर में सोडियम भी काफी निकलता है। अधिक पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसमें कमजोरी, अचानक बेहोश होने और तेज डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां से कहां पर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहां से स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से वर्तमान बिहार में स्थानांतरित कर दी, जहां उन्होंने स्वतंत्र सेना को उठाया और संग्रह कर व्यवस्थित करके उन्हें वित्त पोषित घोषित किया। अगला क्वेश्चन, आत्मेय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। आत्मेय सभा के संस्थापक। मनरेगा में रोजगार की अवधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो प्रतिदिन 220 रुपए की सावधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिपक्व 40,100 करोड़ रुपए था। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था? संविधान अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विभा सिंह ने कहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह संविधान का रक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। तो दोस्तों, ये थे आपके बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए टॉप 40 क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने आपको रियल क्वेश्चन बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सेकंड शिफ्ट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।